क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं और इसको हम टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो हम इस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 12। वो 12 का फैक्टर निकालेंगे, ये 6, अगेन 2 का टेबल से 3, और हमें लाना है 4√3, मिडल टर्म है 4√3। तो 2, 2, 3, 2, 2 और 3 को लिख सकते हैं √3, √3 और 2√3, 2√3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। सो 4x² + 2√3x + 3 = 0 implies that, और फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है 2x, तो ये होगा 2x + √3 + लास्ट टू टर्म में कॉमन है, हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो इसमें कॉमन हो जाएगा √3, तो ये होगा 2x + √3 = 0। और अब इनमें कॉमन है 2x + √3। सो 2x + √3 = 0 और 2x + √3 = 0। सो 2x = −√3 और 2x = −√3। सो देयरफॉर x = −√3/2 और x = −√3/2। Hence, the roots of the given equation are −√3/2 and −√3/2, और अब हम इसको by quadratic formula से solve करेंगे। क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो पहले इसमें हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। a इक्वल टू होगा, कंपेयर करने से 4 होगा, b = √3 और c = 3। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, x = फॉर्मूला होता है −b + −√b² - 4ac/2a। और अब हम सिंपली a b c के वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो −√3 whole square − 4 × a की वैल्यू 4 है और c की 3, 2 × 4, सो −4√3 + −√3, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 = 48, −4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48/8, सो −4√3 + −√0/8, सो −4√3 + −0/8, सो −4√3 + 0/8, −4√3 − 0/8,
सो इक्वल टू माइनस फोर रूट थ्री अपॉन एट कोमा माइनस फोर रूट थ्री अपॉन एट, फोर का टेबल से फोर टू जा एट, सो इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू कोमा माइनस रूट थ्री अपॉन टू आंसर।